नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं प्रिया हाजिर हूं हमारा खास शो सियासी दंगल लेकर। अफगानिस्तान पर तालिबान की वापसी के बाद दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। वहीं कुछ देशों को छोड़कर बाकी देश अभी तालिबान की सत्ता पर बोलने को तैयार नहीं है। चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे देशों ने तालिबान को मान्यता दे दी है, वहीं यूरोपीय संघ तालिबान को मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। भारत की बात की जाए तो पीएम मोदी ने सुरक्षा सलाहकार और कई मंत्रियों संग सीसीएस की बैठक की, जिसमें अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने पर चर्चा की गई। हाल फिलहाल भारत की तालिबान को लेकर क्या नीति है ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन 2011 में अफगानिस्तान के साथ हुए समझौते को लेकर भारत सरकार चिंता जरूर जाहिर कर रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद कुछ देशों का उसके प्रति लचीला रुख साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इन देशों के बयानों में भी इस बात का सीधा संकेत दिखाई दे रहा है, खास तौर पर अफगानिस्तान के पड़ोसी देश तालिबान को लेकर क्या रुख अपनाने वाले हैं ये देखना काफी दिलचस्प है। रूस, चीन और पाकिस्तान का रुख काफी हद तक स्पष्ट हो चुका है, इसको लेकर निगाहें भारत पर लगी हैं। इस संबंध में भारत क्या फैसला लेगा इसको भी दुनिया जानना चाहती है। इस संबंध में मंगलवार को सीसीएस की जो बैठक हुई थी उसमें फिलहाल इस बात पर तवज्जो दी गई कि अपने सभी नागरिकों को वहां से सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए। तालिबान के मुद्दे पर भारत का रुख यूं तो काफी हद तक स्पष्ट है। भारत की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि उसको तालिबान के कहे पर कोई विश्वास नहीं। भारत का कहना है कि तालिबान की कथनी और करनी में फर्क है। भारतीय अधिकारियों का ये भी कहना है कि अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर भारत का फैसला कुछ चीजों पर निर्भर करता है। इनमें से पहली है कि भारत के खिलाफ उसकी जमीन का इस्तेमाल ना हो। दूसरा है कि वहां पर रहने वाले अल्पसंख्यकों के प्रति तालिबान का कैसा व्यवहार रहता है। इसके अलावा एक तीसरी और बेहद अहम चीज है कि वर्ष 2011 में भारत अफगानिस्तान के बीच हुए रणनीतिक समझौते पर तालिबान का क्या रुख रहता है। मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से वार्ता भी की। इसके अलावा उनकी कई दूसरे अमेरिकी नेताओं से भी बात हुई है। आपको बता दें कि अमेरिका समेत यूरोपीय संघ में शामिल कई देशों ने तालिबान सरकार को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है। तालिबान के मुद्दे और अफगानिस्तान के ताजा हालातों पर दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की आपस में बात हुई है। मंगलवार को हुई सीसीएस की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला और अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रहे रुदेंद्र टंडन मौजूद रहे। इस बैठक में पीएम मोदी को वहां के ताजा हालातों की जानकारी दी गई। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस बैठक में श्रृंगला ने भारतीय कूटनीति के समक्ष चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में भी पीएम मोदी को अवगत कराया है। ऐसा भी माना जा रहा है कि यदि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनती है तो जम्मू कश्मीर में भारत को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद चिंता जताई है। UNHRC ने गंभीर मानवाधिकार चिंताओं को दूर करने के लिए 24 अगस्त को अफगानिस्तान पर एक विशेष सत्र आयोजित करने का फैसला किया है। एक बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन के समन्वयक के अनुरोध पर अफगानिस्तान की स्थिति पर गंभीर मानवाधिकार चिंताओं को दूर करने के लिए सत्र बुलाया गया है। इस अनुरोध को अब तक 89 देशों ने समर्थन दिया है। इसमें कहा गया है कि अधिकांश देशों के प्रतिनिधिमंडल वीडियो लिंक के जरिए सत्र को संबोधित करेंगे। बता दें, तालिबान ने रविवार को अफगानिस्तान पर 20 साल बाद फिर एक बार अपना कब्जा जमा लिया। इस दौरान राष्ट्रपति अशरफ गनी भी देश छोड़कर भाग गए।
इससे पहले मंगलवार को तालिबान ने सभी अफगान सरकारी अधिकारियों के लिए माफी की घोषणा की और उनसे काम पर लौटने का आग्रह किया। इसमें महिलाओं से अफगानिस्तान की नई सरकार में शामिल होने की अपील की गई। उधर तालिबान के नेता दोहा में भविष्य की सरकारी योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और अफगानिस्तान में सरकार बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अतर अफगान पार्टियों के संपर्क में हैं। दुनिया अफगानिस्तान की स्थिति को करीब से देख रही है। कई देश अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। भारत और अमेरिका समेत अन्य देश अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के प्रयास में लगे हुए हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। एक तरफ अफगानिस्तान पर तालिबानी आतंकियों ने कब्जा कर लिया है, तो वहीं भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो खुलकर तालिबानी सोच का समर्थन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद खुद को लगातार विवादों में रखना पसंद करते हैं। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबानी आतंकियों के समर्थन में बयान दिया है। साथ ही सपा सांसद बर्क ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे की तुलना भारत में हुए स्वाधीनता आंदोलन से कर दी है। खैर, बीजेपी नेता ने सांसद बर्क पर मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसके बाद सपा सांसद के सुर बदल गए हैं और उन्होंने अपने बयान का खंडन कर दिया है। देखिए ये हमारी रिपोर्ट। तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते, वो कब्जा जो अपने यहाँ कर रहे हैं वो जाने होगा। ठीक है, सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। इस बार उन्होंने अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे को सही ठहराते हुए इसकी तुलना भारत के स्वाधीनता आंदोलन से कर दी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का समर्थन कर सांसद बर्क फंस गए हैं। संभल कोतवाली पुलिस ने बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल की तहरीर पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके अलावा तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर किए गए कब्जे पर खुशी जाहिर करने में दो अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आजादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्ज कर रखा, पहले रशिया में था, फिर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी, तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते, अपने तौर पर चलाना चाहते। तो मैं सही उसको, वो कब्जा जो अपने यहाँ कर रहे हैं वो जाने उनका। ठीक है, वो आज़ाद होना चाहते, वो वहाँ अमेरिका की हुक्मरानी क्यों रहेगी। संभल लोकसभा क्षेत्र से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने सोमवार को बयान देते हुए तालिबान द्वारा किए गए अफगानिस्तान पर कब्जे को भारत स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ दिया था। साथ ही कहा था कि तालिबान ने अमेरिका के भी पैर नहीं जमने दिए, जबकि दो लोगों ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर तालिबान द्वारा किए गए कब्जे पर खुशी मनाई थी। इस मामले में भाजपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। डॉक्टर शफीकुर बर्क संभल लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उनके द्वारा कल जो बयान दिया गया है, मैंने अखबार में पढ़ा और सोशल मीडिया पर देखा, तो वो बयान तालिबानी आतंकवादियों के समर्थन के पक्ष में देने वाला बयान है। पूर्व भारत की सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है कि हम इस तालिबान संगठन के हम भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, और यदि उन्हें तालिबानी से प्रेम है, डॉक्टर शफीकुर बर्क जो संभल के सांसद हैं, यदि उन्हें तालिबानियों से प्रेम है तो वह हिंदुस्तान छोड़कर अफगानिस्तान तुरंत चले जाएं। उनको के पास
यदि किराए का पैसे नहीं है, टिकट के पैसे नहीं है, हवाई जहाज की यात्रा के पैसे नहीं है, तो मैं उनको मुफ्त टिकट कराकर, अपने पैसे से उनको मुफ्त टिकट कराकर उनको भेजने का काम मैं कर सकता हूँ यदि उनके पास पैसे नहीं है। और यदि वो आत्मय करें डॉक्टर सफिकुल भट्ट, वो देशभक्त हैं या देश विरोधी हैं? यदि तालिबानी के समर्थन में बात करते हैं तो वो देश विरोधी हैं, यदि देश विरोधी हैं तो भारत सरकार या प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तहरीर में बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि सांसद ने तालिबान द्वारा किए गए अफगानिस्तान के कब्जे को देश के स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा है, साथ ही उन्होंने कई भड़काऊ भाषण पहले भी दिए हैं। 2 साल पहले संसद में शफीकुर रहमान बर्क ने वंदे मातरम कहने से इनकार कर दिया था। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है एतकाद रखूँगा और उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इख्तदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ उसके फराइज वफादारी से अंजाम दूँगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। और जहाँ तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। वहीं 2 अन्य लोगों ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने पर खुशी जाहिर की है। तहरीर मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान, फैजान चौधरी, मोहम्मद मुकीम के खिलाफ धारा 124A, 153A, 195A IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इससे पहले भी सपा सांसद ने भड़काऊ बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि कोरोना को मस्जिदों मंदिरों में दुआ करके ही खत्म किया जा सकता है, कोरोना बीमारी भाजपा की गलत नीतियों के चलते आई है। बाद में उन्होंने कोरोना टीके का विरोध भी किया था, हालांकि बाद में उन्होंने वैक्सीन लगवा ली थी। SP चक्रेश मिश्रा ने बताया कि संभल कोतवाली में मंगलवार की देर रात डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व अन्य 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना संभल कोतवाली में कल देर रात संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व 2 अन्य व्यक्ति फैजान चौधरी व मोहम्मद मुकीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा तालिबान के संबंध में भड़काऊ बयान दिए गए। एक प्राइवेट व्यक्ति श्री राजेश सिंगल द्वारा लिखित तहरीर देकर यह बताया गया कि डॉक्टर बर्क द्वारा एक मीडिया ब्रीफिंग में तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता सेनानियों के साथ की गई तथा उसकी जीत पर खुशी मनाई गई। ज्ञातव्य हो कि तालिबान भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है। इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं, अतः उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A व 295A IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा फेसबुक पर इसी प्रकार के बयान दिए गए, उनके विरुद्ध भी इसी FIR में अभियोग पंजीकृत किया गया है। समस्त साक्ष्य संकलन के साथ में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देशद्रोह के बारे में इस तरह की बयानबाजी करने वाले व्यक्तियों अथवा सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट शेयर करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई संभल पुलिस द्वारा की जाएगी। उनके द्वारा तालिबान के संबंध में भड़काऊ बयान दिए गए थे। तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता आंदोलन से की थी। तालिबान भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है। इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। ये कार्रवाई राजेश सिंघल की तहरीर पर की गई। उधर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने ट्विटर पर पोस्ट करके कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैं भारत का नागरिक हूं, ना ही कि अफगानिस्तान का, इसलिए वहां क्या हो रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने देश की नीतियों का समर्थन करता हूं। डेस्क रिपोर्ट, Prime TV। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सारे राजनीतिक दल सभी वर्गों को रिझाने में लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी एक कदम आगे चल रही है।
केंद्र के द्वारा पास किए हुए ओबीसी बिल से बीजेपी को 2022 के चुनाव में खास फायदा मिल सकता है। बीजेपी जहां दलितों को रिझाने में लगी हुई है, वहीं ओबीसी वोट बैंक जो कि यूपी में खासा प्रभाव रखता है, अगर वो भी बीजेपी के पक्ष में आ जाता है तो बीजेपी की जीत एक तरफा हो जाएगी। खास बात यह है कि सपा बसपा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करके ब्राह्मणों को रिझाने में लगी है, लेकिन ये ब्राह्मण वोट बैंक पहले से ही बीजेपी के खाते में वोट डालता है और बीजेपी को ये मालूम है कि सवर्ण और दलितों के साथ अगर पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग का वोट भी उसे मिल जाएगा तो विपक्षी दल बीजेपी के सामने टिक नहीं पाएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ओबीसी बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर महाराष्ट्र सरकार अपने यहाँ मराठा को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल नहीं करती। महाराष्ट्र सरकार ने जब मराठा को ओबीसी मान लिया और वे आरक्षण के दायरे में आ गए तो मामला कोर्ट पहुंच गया और इसी साल मई के महीने में कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि संविधान के 102वें संशोधन के जरिए केंद्र सरकार 2018 में किसी भी जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची में डालने का अधिकार राज्य सरकारों से ले चुकी है। यह अधिकार अब सिर्फ केंद्र सरकार में निहित है, यहीं से केंद्र सरकार के पाले में आ गई थी। जिन जिन राज्यों में पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल होने की मांग चल रही है उन सभी राज्यों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है और हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। केंद्र सरकार को भी लगने लगा था कि ये उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गई है, राज्य जनाक्रोश को उसके पाले में सरका दे रहे हैं। इसके मद्देनजर पिछले संसद सत्र में संविधान के 127वें संशोधन के जरिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर ओबीसी सूची तय करने का अधिकार राज्यों को दे दिया। संविधान के संशोधन के जरिए कानून लाए जाने के बाद अगर किसी राज्य को सबसे पहले पहल करनी चाहिए थी तो वो था महाराष्ट्र। यही मामला अधर में फंसा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा सक्रियता बढ़ गई है यूपी में। यूपी का पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही 39 जातियों को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने की सिफारिश करने वाला है। जिन 39 जातियों के पिछड़े वर्ग सूची में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है उनमें से ज्यादातर अभी अगड़ी जाति में शामिल है और बीजेपी की वोट बैंक मानी जाती है, जैसे अग्रहरी, वैश्य, केसरवानी, वैश्य, रेहुला, भाटिया, कायस्थ, भूटिया, बंगवा, दोहर, दोसर, वैश्य, भाट। चूंकि यूपी में अब सिर्फ 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और इस वजह से वहां हर मुद्दे की संवेदनशीलता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। अगर आयोग से पहले अपनी सिफारिश सरकार को भेज देता है तो फिर सरकार को चुनाव से पहले कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। इसके बाद वहां के बहुत सारे नए सियासी और सामाजिक समीकरण बन सकते हैं। मामला 2-4 जातियों का नहीं बल्कि 39 जातियों का है। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी यूपी में पिछड़ा वर्ग सूची को विस्तार देकर अपने हक में सियासी समीकरण बनाना चाहेगी। यूपी की राजनीति में पिछड़ा वर्ग काफी अहम भूमिका अदा करता है। बीजेपी भी अपना चेहरा बदल रही है। एक वक्त बीजेपी को अपर कास्ट के लोगों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन 2014 में मोदी और अमित शाह के हाथ में पार्टी की कमान आने के बाद पार्टी ने ओबीसी के बीच पहुंच बनाने में कामयाबी पाई। ज्यादातर राज्यों में खास तौर पर हिंदी बेल्ट में ये पाया गया कि पिछड़ा वर्ग में जो भी अति पिछड़ा वर्ग है उसने बीजेपी को ही अपनी पार्टी मान लिया है। राजनीतिक गलियारों में मोदी सरकार को ओबीसी सरकार इसलिए कहा जाता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 27 ओबीसी मंत्री हैं। यूपी में इन दिनों गैर बीजेपी दलों जिसमें बीएसपी बीएसपी प्रमुख है वो इन दिनों बीजेपी के अपर कास्ट वर्ग के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटे हैं। बीएसपी पूरे राज्य में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन कर रही है तो समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए वादा किया है कि राज्य में उनकी सरकार बनने पर लखनऊ में भगवान परशुराम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगवाई जाएगी। बीजेपी को लगता है कि अगर विपक्ष की इन तमाम कोशिशों से उसका अपर कास्ट का थोड़ा बहुत वोट शिफ्ट भी हो जाता है तो उसकी भरपाई वो पिछड़ा वर्ग के बीच अपनी पैठ को और मजबूत करके कर सकती है।
पिछड़ा वर्ग का वोट भी ज्यादा है, इसलिए बीजेपी का सारा फोकस इसी वर्ग पर है। राजनीतिक गलियारों में ये भी कहा जाता है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़ा वर्ग की सूची में नई जातियों को शामिल करने के लिए जो तेजी दिखाई है वो बीजेपी की मंशा को देखते हुए ही है। योगी सरकार ने जून महीने में ही आयोग का फिर से गठन किया है। अध्यक्ष मनोनीत किए गए जसवंत सैनी बीजेपी के पुराने नेताओं में शुमार किए जाते हैं और दो उपाध्यक्ष और 22 सदस्यों में भी ज्यादातर बीजेपी कैडर के ही हैं। अगर नई जातियों के पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने का फैसला होता है तो पिछड़ा वर्ग भी हाथ पर हाथ रखकर पैच, तो विपक्ष भी हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाला नहीं है। घमासान होना तय माना जा रहा है। जैसे ही पिछड़ा वर्ग की सूची में नई जातियां शामिल होंगी, आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने की मांग शुरू हो जाएगी। नई जातियों के शामिल होने से पिछड़ा वर्ग की सूची में पहले से मौजूद जातियों को अपने हक में कटौती लगना शुरू हो जाएगी। यूपी में पिछड़ा वर्ग की सूची में पहले से ही 70 जातियां शामिल हैं। आरक्षण का कोटा बढ़ने पर अपर कास्ट मैदान में मोर्चा ले सकता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।